नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आयरन हाजिर हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में जयदेव गल्ला ने उठाया किसानों की आय का सवाल, पूछा सरकार के पास किसानों की आय के नए आंकड़े क्यों नहीं। एनएसएसओ ने 2013 में किया था किसानों की आय का सर्वे। यूपी में झांसी की अनाज मंडी में किसानों का प्रदर्शन, व्यापारियों पर धान की मनमानी कीमत लगाने का आरोप, बोली लगने के बावजूद किसानों ने नहीं बेची फसल। उत्तराखंड के हरिद्वार में किसानों ने गन्ने को आग लगाकर किया प्रदर्शन, गन्ने की कीमत 500 रुपए क्विंटल करने की मांग। सहारनपुर में बकाया भुगतान के लिए किसानों ने चीनी मिल पर दिया धरना। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल घटाने की पहल, नर्सरी लगाने में पुराने बोतलों का इस्तेमाल, स्थानीय महिलाओं को भी मिल रहा रोजगार। बुलेटिन में सबसे पहले बात गन्ना किसानों की। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सही दाम ना मिलने के अलावा किसानों को समय पर भुगतान ना होने और मिल से सही से ना चलने की चुनौती से भी जूझना पड़ रहा है। इसी से नाराज किसानों ने सहारनपुर में चीनी मिल प्रबंधक को बंधक बना लिया। मामला है सरसावा सहकारी चीनी मिल का, जहां किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। उन्होंने मांगे ना पूरी होने पर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। सरकारों ने अपने वायदे करे थे, उन पर सरकार खरी नहीं उतर रही। तीन साल से सरकारों ने गन्ना वृद्धि नहीं की। जिस दिन से इसका उद्घाटन हुआ उस दिन से मिल चल ही रहा। सड़कों पर ट्रोलियाँ पड़ी हैं, 18-18 घंटे हमारी बुग्गी तुल के जा रही है। पर्ची टाइम पर मिल नहीं रही है, गेहूं बुआई का सीजन निकल रहा है, सारी समस्या ही है। पिछले सीजन का पेमेंट अब तक के दिया नहीं, अगले का पता नहीं कब देंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड के भी गन्ना किसान इसकी कीमतें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार में किसानों ने गन्ने को आग लगाकर बकाया भुगतान न होने और नई कीमत घोषित न किए जाने का विरोध जताया। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में जुटे किसानों ने आरोप लगाया कि पेराई सत्र शुरू हुए एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक सरकार ने गन्ने की नई कीमत नहीं तय की है। किसानों ने इस साल गन्ने की कीमत 500 रुपए प्रति क्विंटल रखने और मांग न पूरी होने पर प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। सुगर मिलों के द्वारा जो गन्ने का किसान का बकाया भुगतान है वो तुरंत दिलाया जाए। एक महीना फैक्ट्री चले हुए हो गया, अभी तक सरकार ने किसान के गन्ने का भाव घोषित नहीं किया। आज लागत मूल्य के अनुसार किसान की 500 रुपए की लागत गन्ने में आ रही, तो कम से कम 500 रुपए क्विंटल गन्ने का मूल्य घोषित किया जाए। जब तक किसानों को 500 रुपए का भाव गन्ने का नहीं मिलेगा, किसान इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन पूरे जिले में करते रहेंगे। और अब बात बुंदेलखंड की। यहाँ के किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अक्सर मौसम की मार झेलने वाले किसान अब आढ़तियों की मनमानी के शिकार हो रहे हैं। इसी से नाराज सैकड़ों किसानों ने झांसी की गल्ला मंडी में प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि जिस धान की कीमत 2600 या 2700 रुपए होनी चाहिए, उसकी महज 2000 रुपए प्रति क्विंटल की बोली लगाई जा रही है। किसानों ने सही दाम न मिलने पर बोली लगने के बावजूद व्यापारियों को धान बेचने से इनकार कर दिया। ये उगाया कि काऊ की 25 ले रहा है, काऊ की 26 ले रहा है, काऊ की 2000, काऊ की 2200, काऊ की 2300। आपका क्या मानना है, कितनी बिकनी चाहिए? क्या जो रेट 2600 से ऊपर जा रही है जो धान, वही ले वो रेट अपने चली जाए, हमें कौन दिक्कत है। 2600 कम से कम धान 2500 से स्टार्ट होना चाहिए, 2700 तक हो सकती है, लेकिन 2400 के वो नीचे ही जा रही है। जब भी धान अच्छी है, कलर अच्छा है, उड़ा के लेकर फटाखी आदमी किसान लेकर आ रहा है, रेट कम लग रहा है। जबकि जब तक किसान सहमत नहीं होता तब तक व्यापारी माल नहीं खरीद सकता। रेट लगाना व्यापारी का अपना दायित्व है और बेचना ना बेचना किसान की मर्जी से, खुली नीलामी हो रही है। किसानों की आय का मामला हो या उनकी खुदकुशी का, सरकार के पास आय या किसान आत्महत्या के अपडेटेड आंकड़े ही नहीं है। ऐसे में ये सवाल मंगलवार को लोकसभा में भी उठा। देश का अन्नदाता अभी कितना कमाता है? अगर केंद्र सरकार के पास ये आंकड़े ही ना हो तो वो 2022 तक किसानों की कौन सी आमदनी को दोगुना करने वाली है? आज ये सवाल खेत से लेकर संसद तक लगातार उठ रहा है। मंगलवार को टीडीपी सांसद जयदेव गल्ला ने किसानों की आय के नए आंकड़े ना होने का सवाल लोकसभा में प्रश्नकाल में उठाया।
उन्होंने पूछा कि जब नए आंकड़े ही नहीं हैं, तो योजनाओं ने क्या असर डाला, कैसे पता चलेगा? How much have they improved the income when we don't have data beyond 2013? What are the number of beneficiaries? What is the impact? How much has income actually improved by state? If you don't have that information, how do you measure the effectiveness of all of these policies, sir? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने साल 2013 में किसानों की आय का सर्वे किया था। इसके मुताबिक तब एक किसान परिवार की आय 6,426 रुपए मासिक थी। लेकिन सप्लीमेंट्री सवाल के जवाब में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि मंत्रालयों की एक समिति ने किसानों की मासिक आय 8,160 रुपए बताई है। किसानों की आमदनी दुगनी करना है तो उसको लेके हमने उस समय एक सर्वे किया और उसके आधार पर किसान की जो फार्मिंग इनकम और नॉन फार्मिंग इनकम को मानते हुए जिस तरह से उनकी इनकम को माना, लगभग प्रति माह प्रति परिवार 8,166 रुपए। महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने भी किसानों की आय का सवाल उठाया। उन्होंने पराली से बायोफ्यूल बनाकर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। सो वी हैव टू थिंक ऑन कन्वर्टिंग दिस वेस्ट इनटू बायोफ्यूल व्हिच विल ब्रिंग लो इनकम रूरल हाउसहोल्ड इनटू कमर्शियल फार्मिंग एंड एनकरेज स्मॉल एंटरप्राइजेस फॉर कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। हैज द गवर्नमेंट थॉट अबाउट सच अ मेथड एंड इफ यस हैज बीन व्हाट हैज बीन डन टू अचीव दिस? इसका जवाब देते हुए कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पराली से जुड़े प्रयोगों की जानकारी दी और अच्छे नतीजे आने की उम्मीद जताई। किसानों को हम उनके घर तक जाकर, उनके खेत में जाकर हमारे आईसीआर के जो वैज्ञानिक है वहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं और उनको जानकारी भी दी जा रही है और इसलिए इसका परिणाम निश्चित रूप से किसान को खेत पर दिखता है और उसका लाभ भी निश्चित रूप से किसानों को होगा। हालांकि इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि आज यानी 2019 में देश का एक किसान कितने रुपए कमाता है, यानी उसकी मासिक आमदनी क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मोदी सरकार किसानों के विरोध के बाद रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP मुक्त व्यापार समझौते से पीछे हट गई थी, लेकिन वो अब इस पर अपनी पीठ थपथपा रही है। मंगलवार को राज्यसभा में उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते को देश हित के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि हमने समझौते में नॉन टैरिफ बैरियर्स और सब्सिडी में पारदर्शिता लाने की मांग उठाई थी, लेकिन ये हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। हमने लगातार कई आरसीईपी देशों में व्यापार से जुड़े नॉन टैरिफ बैरियर्स और सब्सिडी रेजिम में मौजूद अपारदर्शिता का कई विश्वसनीय निवारण निकालने की मांग की। इसके अलावा रीजनल वैल्यू चेन्स का सही मायने में लाभ तभी लिया जा सकता है जब सारे सदस्य देश यह सुनिश्चित करें कि रूल्स ऑफ ओरिजिन का अनुचित रूप से इस्तेमाल ना हो सके। चूंकि अपने वर्तमान स्वरूप में आरसेप ने हमारी चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया, इसलिए इसमें शामिल होना हमारे हितों के लिए अनुचित पाया गया। देश में 2005 से 2015 के बीच लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, लेकिन दुनिया के लगभग 28% गरीब अभी भी भारत में रहते हैं। ये बात सामने आई है हाल ही में जारी UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 से। इसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कोई व्यक्ति कितना जीता है, उसकी शिक्षा का स्तर क्या है और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तैयार किया जाता है। 189 देशों के इस इंडेक्स में भारत का 129वां स्थान है। बीते साल भारत 130वें नंबर पर था, यानी इसमें एक ही स्थान का सुधार हुआ है। लेकिन रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भारत में अमीर गरीब के बीच की खाई और ज्यादा चौड़ी हो रही है, जिसकी वजह से देश को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आबादी का 1% हिस्सा देश की कुल आय के 20% का मालिक है, बाकी के 10% लोगों के पास कुल आय का 55% हिस्सा है। 1980 से लेकर अब तक आय की असमानता बढ़ी है। बीते 12 साल में कम आय वर्ग की कमाई में इजाफा औसत वृद्धि दर के मुकाबले 2/3 कम रहा है।
इसके अलावा समूह खासतौर पर महिलाओं से जुड़ी असमानता इनइक्वालिटी में इजाफा हुआ है। 122 देशों के जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत को 122वां स्थान मिला है, जबकि चीन 39वें, श्रीलंका 66वें और भूटान 99वें स्थान पर है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बाद कृषि मजदूरी की, देश भर में जारी आर्थिक मंदी और कृषि संकट के बीच कृषि मजदूरी की ग्रोथ रेट 4 तिमाहियों के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। 2019-20 की तीसरी तिमाही में ग्रामीण मजदूरी की वृद्धि दर 4% रही है, जो कि दूसरी तिमाही में 5.4% थी। इसे ग्रामीण भारत में जारी आर्थिक संकट और सुस्त मांग का संकेत माना जा रहा है। और इन सब बातों पर ये जो केंद्र बिंदु हैं जो हमने सामने रखे, इन सब पर और ज़्यादा तफसील से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस के कार्यकारी संपादक सत्येंद्र रंजन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये हाल ही में UNDP की ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट सामने रखी, जिसमें हमने उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो सामने रखे। ऑब्जर्वेशन आई है कि जो अमीर हैं और गरीब हैं उनके बीच की जो खाई है वो और ज़्यादा चौड़ी हो रही है। इसे जब भारतीय संदर्भ में जब हम देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या वो चिंताजनक बिंदु हैं जिस पर बात करने की ज़रूरत है? देखिए, पहले तो इस बात पे को रेखांकित कर लेना चाहिए कि ये जो UNDP की रिपोर्ट आनी शुरू हुई 90 से, इसने दुनिया भर में विकास की समझ को बदला। उसके पहले जिस देश का जितना GDP है उसको उतना विकसित माना जाता था, लेकिन इस रिपोर्ट ने एक नया नज़रिया दिया। और इस रिपोर्ट को और इस नज़रिए को डेवलप करने में हमारे देश के जो अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के महबूबुल हक, इन दोनों का सबसे ज़्यादा योगदान था। इस बात को जोर देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस रिपोर्ट को दुनिया भर में बहुत ही गौर से देखा जाता है। ये रिपोर्ट जब आती है तो उसमें जो ह्यूमन डेवलप मेंट के इंडेक्स हैं, जो आपने बताया कि जिन कसौटियों पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है, उन कसौटियों पर कौन सा देश कहाँ किस पायदान पर है, ये उसकी एक तस्वीर इसमें आती है। इस साल UNDP ने जो रिपोर्ट का अपना मुख्य थीम रखा वो गैर बराबरी रखा, जो असमानता है विभिन्न क्षेत्रों में। आर्थिक असमानता पे मुख्य जोर है, लेकिन जो दूसरी असमानताएं हैं, जो जेंडर इनइक्वलिटी है या जो सोसाइटी में दूसरे ऐसे आधार हैं जिन पर जो गैर बराबरियाँ हैं, उस पर इस थीम रखा गया है। इस बार की रिपोर्ट में दुनिया के जो हुक्मरान हैं, दुनिया को जो चलाने वाले लोग हैं, उनको चेतावनी दी गई है कि अगर ये गैर बराबरी जो बढ़ती जा रही है, आपने भारत के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि कैसे 1% लोग कितना धन यहाँ पर रखते हैं, और ये बात पिछले कुछ सालों में और भी दूसरी रिपोर्ट से आई है। अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी और फ्रांस के जो अर्थशास्त्री हैं चांसेल, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही, ऑक्सफैम ने कहा है, क्रेडिट सुइसे ने कहा है, ये तमाम रिपोर्टें ये बताती गई हैं कि भारत में गैर बराबरी तेज़ी से बढ़ रही है, दुनिया में बढ़ रही है। तो इस बार ये हुक्मरानों को ये चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो एक बड़े उथल पुथल की तरफ ये दुनिया बढ़ रही है, क्योंकि आज का जो नौजवान है वो वेल कनेक्टेड है। उसकी शिक्षा अगर कम भी हो तो वो इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में जो चीज़ें हो रही हैं उसको वो जान रहा है, और उसको ये पता है कि वो पहले एक जो धारणा थी कि आप मेहनत करेंगे तो गरीबी से बाहर आ जाएंगे, आप मेहनत करेंगे तो आप अपने अच्छे दिन ला सकते हैं, ये विश्वास टूटता जा रहा है क्योंकि दुनिया के संसाधनों पर कुछ तबके के लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो इस बात को लेकर चेतावनी दी गई है और इसलिए रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे देश में भी इस पे बहस होनी चाहिए। ये बताइए कि इसमें बोला गया कि लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, लेकिन दुनिया के लगभग 28% गरीब अभी भी भारत में है। और अगर भविष्य की बात करें तो बोल रहे हैं कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे आपने भी बोला कि कितने लोग कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करके और आगे जो पायदान है अपने, जो उनका सामाजिक आर्थिक जो विकास हुआ है उसमें आगे बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर जो ये दो बातें हैं, क्लाइमेट चेंज और जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आने वाला है इस देश में, कहीं वो भी इस असमानता को आगे तो नहीं बढ़ा देगा? नहीं, ये तो साफ साफ कहा गया है। देखिए, जो क्लाइमेट चेंज है इसका ज़्यादातर असर जो वल्नरेबल, जो कमजोर तबके हैं, उन पर भी पड़ रहा है। इसमें बताया गया है कि कैसे समंदर, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से समंदर में
जो जल स्तर उठ रहा है, और इससे जो हमारे बहुत से इलाके हैं जैसे सुंदरबन का इलाका है या जो हमारे समुंदर के किनारे जो एक हमारा बहुत लंबे ऐसे स्टेट्स हैं जो बीच एरियाज में हैं, जब वहाँ समंदर का पानी ऊपर आएगा तो उससे वो पानी वहाँ आएगा और उसमें कई इलाके डूब सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मछलियाँ मर रही हैं, कृषि को बहुत ज़्यादा खतरा होने की बात, कृषि के लिए खतरा होने की बात है, तो ग्लोबल के खेती को होगा। इन सब का जो सबसे ज़्यादा मार पड़ती है वो गरीब लोगों पे पड़ती है। अभी एक उदाहरण आज ही जो भारत में UNDP की अधिकारी हैं उन्होंने आज यहाँ एक अखबार में लेख लिखा है, उसमें जो दिल्ली में अभी ये जो स्मॉग आता है इसका में इनइक्वलिटी जो गैर बराबरी है उसकी पहलू की तरफ ध्यान खींचा है कि जो धनी लोग हैं वो तो एयर प्योरीफायर लगा लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, वो ऐसे इन्वायरमेंट में उनके ऑफिस में काम करते हैं जहां उपाय होते हैं उसको रोकने के, लेकिन गरीब लोग तो सड़कों पे काम करते हैं, वो ऐसी जगहों पे काम करते हैं उनके पास एयर प्योरीफायर नहीं होता है, पानी गंदा होता जा रहा है, उनके पास आरो सिस्टम या इसकी सुविधा नहीं होती है, तो वो वर्स्ट अफेक्टेड हैं। और चूंकि वो वर्स्ट अफेक्टेड हैं तो उनकी स्थिति और बिगड़ती है, जबकि धनी लोग जो हैं या मध्य वर्ग के जो लोग हैं अपनी स्थिति बचाए रखते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो ये रोबोट्स आ गए हैं काम करने के लिए, इससे दुनिया भर में रोजगार के मौके कम हो रहे हैं। अब इस समस्या को से तो दुनिया जूझ रही है, भारत में भी धीरे धीरे ऑटोमेशन हो रहा है काम का, उससे नौकरियों की संख्या घट रही है। ऐसे जब आपने बोला कि किस तरह से क्लाइमेट चेंजेस, हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा खतरा कृषि पर है, और हम देख रहे हैं कि कृषि में अगर बात करें तो जो महिलाएं हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में उनका जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब है। तो कृषि में एक दो चीजें, एक तो किसानों की आय जो कि बढ़ नहीं रही है, हालांकि सरकार आमदनी आय दुगनी करने के दावे कर रही है, और जो महिलाएं हैं खासतौर से हम देख रहे हैं मनरेगा की जो महिलाएं हैं जो वेजेस उनको मिलती हैं वो पुरुषों के मुकाबले कई ज्यादा कम है। अब देखिए ऐसा है कि जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो अभी एक्सट्रीम मौसम हो रहा है, अचानक बेमौसम बारिश हो जाती है फसल बर्बाद हो जाती है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है तो उससे भी फसल बर्बाद होती है, वो जो उसकी मार किसानों पर, और जब कभी चूंकि महिलाएं पहले से ही एक उपेक्षित वर्ग हैं जो चाहे किसी भी वो सोसाइटी में हो, तो उनके अगर रोजगार के अवसर घटते हैं तो सबसे पहले महिलाएं काम से बाहर होती हैं। इस बार के रिपोर्ट में ये एक महिलाओं की जो गैर बराबरी है उस पर काफ़ी जोर है, और उसमें एक बात कही गई है कि भारत में माहौल काफ़ी बिगड़ रहा है। एक टर्म यूज किया गया है कि ऐसा लगता है कि जो वुमन एम्पावरमेंट हुआ था, जो महिला सशक्तिकरण हुआ था, उसके खिलाफ समाज में एक बैकलेस हो गया है, और महिलाओं के प्रति जो पूर्वाग्रह की बातें हैं, जो बायस है, जो प्रेजुडिस है, उसको ओपनली आज एक्सप्रेस किया जा रहा है। अगर अभी हाल में कुछ फिल्में आई हैं, ये बात उस रिपोर्ट में नहीं कही गई है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, हाल में कुछ जो फिल्में आई हैं उसमें जिस तरह से महिलाओं के बारे में अपमानजनक बातें हैं, ये बातें पहले नहीं होती थी, पहले वो एक सभ्यता के दायरे में नहीं कही जाती थी, लेकिन आज जो महिलाओं को डिमीन करने वाली बातें, उनको अपमानित करने वाली बातें खुल के बोली जा रही हैं, और पुराने जो ऐसे वैल्यूज थे जिसमें महिलाओं कहीं ना कहीं वो फिर से उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येन जी इन सब अहम मुद्दों पर रोशनी डालने के लिए। किसान बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खेती किसानी से जुड़ी कुछ और अहम खबरें, आप देखते रहिए किसान बुलेटिन। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काली ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने यूरिया के संकट से निपटने के लिए 80% खाद सहकारी समितियों के जरिए आवंटित करने का फैसला लिया है, लेकिन छिंदवाड़ा जिले के खाद व्यापारी इसके विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने मौजूदा स्टॉक खत्म होने के बाद खाद बेचने से इनकार कर दिया है। दरअसल पहले सहकारी समितियों और निजी दुकानदारों को आधा आधा यूरिया मिलता था,
लेकिन अब निजी दुकानदारों को केवल 20% यूरिया ही मिल रहा है। निजी दुकानदार इसी बात से नाराज हैं। हालांकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जिले में पर्याप्त खाद मौजूद है और निजी दुकानदारों के इस फैसले से किसानों को यूरिया मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20% में आज जो है एक एक जो होलसेलर है उसको मुश्किल से एक एक गाड़ी आएगी, उसके कम से कम 10-10, 20-20 रिटेलर हैं, तो वो खुद बेचेगा कि उनको देगा, क्या होगा इसमें? दिसंबर माह में जो हमको प्रोग्राम प्राप्त हुआ है वरिष्ठालय से, वो 16,000 मेट्रिक टन यूरिया प्राप्त होने का हुआ है, जिसमें से कल 2,000 मिल गया, और पूरे दिसंबर माह में अलग अलग दिनांकों में 14,000 मेट्रिक टन यूरिया हमको इसी दिसंबर महीने में मिलेगा। और यूरिया की क्या है ताज़ा स्थिति, इस पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, ये बताएं कि अब जो ताज़ा स्थिति है यूरिया को लेकर, क्या लंबी लंबी लाइनें में जो लोग खड़े हैं उनको क्या सही भाव मिल पा रहा है यूरिया का, और क्या उन्हें किसी तरह की कोई राहत मिल रही है? देखिए, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी राहत शुरू हो गई है। लगातार यूरिया की रेक आ रही है, और अभी मेरी कृषि मंत्रालय के लोगों से बात हुई है, करीब 9,00,000 मेट्रिक टन के आसपास का यूरिया मध्य प्रदेश अब तक पहुंच चुका है, और बाकी भी रेक लगातार धीरे धीरे आ रही हैं। लेकिन चूंकि कई जगह अफवाहें हैं कि यूरिया की किल्लत है, कुछ एक जगहों से अखबार में समाचार इस तरह से आ रहे हैं कि यूरिया की दिक्कत है, इस वजह से किल्लत की स्थिति अभी भी बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। कई जगहों से घटनाएं जरूर सामने आ रही हैं, जैसे विदिशा जिले के शमशाबाद में कल करीब 70 बोरी यूरिया आखिरी में बची तो किसान लूट कर ले गए, मतलब छुड़ा के ले गए। और इसके अलावा और भी कुछ जगहों पर समस्या है, जैसे छिंदवाड़ा की ये दिक्कत है कि चूंकि अब सरकार ने जब सख्ती दिखाई है कि 80% सहकारी से बिकेगा, 20% जो है वो निजी दुकानों से बिकेगा, तो उसको लेके कहीं ना कहीं व्यापारियों का विरोध सामने आ रहा है। उनका ये कहना है कि हम पूरे साल में 2 या 3 महीने का हमारा बिजनेस होता है, और ऐसे बिजनेस पे अगर सरकार चोट करेगी तो क्या होगा, तो ऐसे अपने किसानों पर कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, किसानों के लिए तो सबसे बेहतर स्थिति यह है कि जो है सहकारी समितियों से यूरिया मिले, वो भी व्यवस्थित तरीके से मिले, क्योंकि निजी क्षेत्र से यूरिया की ब्लैक होने की शिकायतें लगातार सरकार के पास पहुंच रही थी, और इसी वजह से यूरिया की किल्लत भी हो रही थी और यूरिया के दाम भी ज्यादा। बताइए कि सागर से खबर आ रही है कि कई जगह पर जहां जब किसान लेने गए तो वहां पर कुछ हिसाब किताब कर रहे थे जो सहकारी समिति में जो अधिकारी हैं, तो उसकी वजह से जब इतना त्राहिमाम मचा है तो उस वक्त इस तरह की जो बातचीत है कि वो हिसाब किताब में लगे हैं और उसकी वजह से बाद में यूरिया बांटेंगे, ये कैसी स्थिति है? देखिए, इस बात को मैं लगातार किसान बुलेटिन में बता रहा हूं कि कई जगह स्थिति ये हो रही है कि जो वितरण की प्रणाली है उसमें दिक्कत है, दिक्कत बहुत ज्यादा क्राइसिस नहीं है यूरिया की, वितरण की प्रणाली में दिक्कत हो। ये हास्यास्पद स्थिति सागर में पिछले 2 दिन में मिली बनी है, सागर के मकरोनिया इलाके में, और वो मकरोनिया इलाका वो इलाका है जहां पर कुछ दिन पहले जाम लगाया गया था, जहां के विधायक पर FIR हुई थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था, इसके बाद भी इस प्रशासनिक तंत्र सुधरने को तैयार नहीं है, और उसी की सीधे तौर पे कि सोमवार को जब यूरिया लेने किसान पहुंचे तो वहां बाकायदा बोर्ड लगा था कि अब ये आज हमारे यहाँ हिसाब किताब हो रहा है, यूरिया लेने कल आइए। तो इस तरह की जो परिस्थिति है, किसान को तत्काल में यूरिया की जरूरत है, लेकिन प्रशासनिक तंत्र इतनी राजनीति होने के बाद भी कुछ जगह पर नहीं सुधर रहा है, कहीं ना कहीं कृषि मंत्रालय को सरकार को इस ओर निश्चित तौर पर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन इस अपडेट के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर में वन विभाग इन दिनों एक नए प्रयोग की वजह से चर्चा में है। इस प्रयोग से न केवल नर्सरी में सिंगल यूज पॉलिथीन का इस्तेमाल रुका है, बल्कि लोगों को रोजगार देने के रास्ते भी खुले हैं। देखिए कैसे। ये नर्सरी सिंगल यूज पॉलिथीन मुक्त है क्योंकि इन्हें पानी की बेकार पड़ी बोतलों में उगाया गया है। ये पहल की है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वन विभाग ने। यहाँ की रामानुजगंज नर्सरी में अब तक 3,000 पौधे ऐसे ही बेकार पड़ी बोतलों में लगाए जा चुके हैं। मिट्टी खाद गोबर भर करके हम लोग जो है पौधा उगाने का काम कर रहे हैं, जिससे प्लास्टिक भी बंद हो जाए और यहाँ प्लास्टिक का उपयोग भी नर्सरी में न हो, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पानी का बोतल को काट के फिर उसमें छेदा करते हैं, तार से उसको बंद करते हैं, उसके बाद में उसमें मिट्टी भरते हैं, फिर उसमें पौधा लगाते हैं। वन विभाग ने इसे महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने से भी जोड़ा है।
पानी की बोतल के निचले हिस्से को नर्सरी में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऊपर के हिस्सों को तार से बांधकर उसे हैंगिंग फ्लावर पॉट बना दिया जाता है। इन्हें बाजार में बेचकर आसानी से कमाई की जा सकती है। फार्मिंग के लायक पौधे या फिर सुंदरता बागवानी के पौधे, इसको बेच करके और या फिर आजकल के जो प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए लोगों के अंदर जागरूकता है कि घर में जो है वो अच्छे पौधे लगाएं, हम वो पौधे लगा कर भी उनको दे करके कुछ अर्निंग कर सकते हैं। भूपेश बघेल सरकार ने राज्य में प्लास्टिक के कप, प्लेट, चम्मच और कटोरी के निर्माण पर रोक लगा रखी है। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ने का जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ऐसे में वन विभाग की इस पहल को छत्तीसगढ़ को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से हमारी वेबसाइट www.newsplatform.in पर पढ़ सकते हैं। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।